हाय स्टूडेंट, अपर यूनिक पैरामाउंट साइंस एकेडमी जालोर द्वारा संचालित ए ग्रेड यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र सांकला आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी घर बैठे इस चैनल के माध्यम से पढ़ सके। राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के 10th क्लास साइंस की बुक से केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। हमारे दैनिक जीवन में रसायन किस प्रकार उपयोगी है, किस प्रकार ये हमारे जीवन में काम आती है, तो इसको हम पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में रसायन हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में काम आती है, यहाँ तक कि हमारे सारी जैविक क्रिया का संचालन, जैविक क्रियाएं जैविक क्रियाएं का मतलब जीवन को यापन करने की क्रियाएं, जीवन को यापन करने की क्रिया का संचालन भी रसायनों द्वारा होता है। जैसे साबुन, अपमार्जक, डिटर्जेंट, भवन निर्माण में सीमेंट, विद्युत उपकरण, मोटर वाहन से लेकर कृषि तक रसायन का उपयोग किया जाता है। यही नहीं, हम अस्वस्थ होने पर भी जो औषधियाँ ली जाती है वो भी एक प्रकार की रसायन है, जैसे प्रतिरोधी, प्रतिजैविक और प्रतिअम्ल। ये हम दैनिक जीवन के रसायन के बारे में जनरल सामान्य परिचय था। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में रसायन का। प्रथम टॉपिक अम्ल, क्षार व लवण। एसिड, बेस व साल्ट। अम्ल, क्षार व लवण, एसिड, बेस व साल्ट, इन अम्ल, क्षार व लवण की अलग अलग अवधारणा दी गई, जो तीन प्रकार की संकल्पना है। प्रथम आरएनएस, की संकल्पना दूसरी अम्ल क्षार ब्रांस्टेड लॉरी संकल्पना और तीसरी व अंतिम में अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। ये तीन प्रकार की संकल्पना अम्ल क्षार पर दी गई। इनको पढ़ने से पूर्व हम अम्ल क्षार व लवण के बारे में सामान्य बातें पढ़ लेते हैं। अम्ल एसिड, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। ये एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया एसिडस है, एसिडस जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है, शाब्दिक अर्थ खट्टा होता है। इसके सामान्य गुण, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं।
ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कोई नीला लिटमस पत्र है और अम्ल में रखने पर ये इनको लाल कर देते हैं। कुछ कुछ निम्न अम्ल जैसे कुछ निम्न अम्ल पाए जाते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल, CH3, एसिटिक अम्ल के बाद टार्टरिक अम्ल, C4H6O6, एस्कार्बिक अम्ल, C6H8O6, फॉर्मिक अम्ल, CH2O2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, एस्कार्बिक अम्ल संतरे में पाया जाता है, मौसम्बी में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो जठर रस में पाया जाता है। ये निम्न प्रकार के 5 प्रकार के अम्ल निम्न पाए जाते हैं राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन में। 1 नंबर का सवाल कभी कभार इन फॉर्मूलों से आ जाता है। ये निम्न में पाए जाते हैं अम्ल। अब हम बात करते हैं सार। साल्ट, बेस। सार क्या होते हैं? अम्ल का पढ़ लिया है, अब हम बात करते हैं सार। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्वाद में टेस्ट में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और सबसे मुख्य बात, इन्हें स्पर्श करने पर, मतलब इन्हें छूने पर, हाथ लगाने पर ये साबुन जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन्हें स्पर्श करने पर करने पर साबुन जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+OH- सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड
पोटेशियम, हाइड्रो ऑक्साइड, ये सार है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, इन्हें स्पर्श करने पर साबुन जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अम्ल में क्या था कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते थे, ये लाल को नीला कर देते हैं। नोट, यदि अम्ल व सार जल में विलय हैं, अम्ल व सार जल में विलय हैं तथा जल की मात्रा अधिक हो तो उसे तनु कहते हैं। यानी अम्ल व सार जल में विलय है, ये दोनों अम्ल व सार जल में विलय है तथा जल की मात्रा अधिक है किससे, जल की मात्रा अधिक है किससे, अम्ल व सार से, जल की मात्रा अधिक है तो तनु, और यदि जल की तुलना में अम्ल व सार की मात्रा अधिक है तो उसे सांद्र कहते हैं। यानी अम्ल व सार जल में विलय है, अम्ल व सार दोनों जल में विलय हैं तथा जल की मात्रा अधिक हो किससे, अम्ल व सार से अधिक हो तो उसे तनु कहते हैं, और यदि जल की तुलना में अम्ल व सार की मात्रा अधिक हो, यानी जल की मात्रा कम हो और अम्ल व सार की मात्रा अधिक हो तो उसे सांद्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं लवण साल्ट, लवण अम्ल पढ़ लिया, सार पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं तीसरा व अंतिम लवण। ये क्या होता है, अम्ल व सार, अम्ल व सार की क्रिया करवाने पर लवण व जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें होता है अम्ल व सार क्रिया करेंगे और एक लवण व जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब कैसे होगा बता देता हूं, अम्ल व सार की अम्ल व सार की क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे रिएक्शन अभिक्रिया देखो, रिएक्शन HCl धनावेशित ऋणावेशित, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक प्रकार का अम्ल हो जाएगा,
NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सार, ये क्रिया करेंगे अपने बात बताती अम्ल व सार की क्रिया द्वारा, अम्ल हो गया सार की क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। जैसे कि यहां से Cl और यहां से Na, यहां से Cl और यहां से Na निकल जाएगा बाहर, तो NaCl, NaCl प्लस एक H यहां से और एक H यहां से, दो H हो गए, H2O, ये हो गया जल, जल का निर्माण हो गया सोडियम क्लोराइड, वो जल का निर्माण हो गया जल। इसी प्रकार से KCl प्लस KOH, ये KCl पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एक प्रकार का अम्ल हो गया, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया सार। सॉरी, यहां पे HCl और KCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KCl प्लस H2O, पोटेशियम क्लोराइड वो जल का निर्माण हो गया। इस प्रकार से हम लोग सार की क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि उसमें ऊष्मा मुक्त होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl और Na निकल गया बाहर, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसे नमक कहते हैं सामान्य भाषा में, नमक और H2O जल बाहर निकल गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक Cl यहां से और K यहां से निकल गया बाहर, KCl पोटेशियम क्लोराइड और H2O जल का निर्माण हो गया। NH4 जैसे कि एक उदाहरण है, NH4 HCl प्लस NH4 OH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें H प्लस Cl NH4 प्लस OH माइनस, NH4 Cl बाहर निकल जाएगा, NH4 Cl बाहर निकल जाएगा प्लस H2O अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लवणों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, लवणों के गलनांक
मेल्टिंग पॉइंट व क्वथनांक उच्च होते हैं, इन्हें क्रिस्टल के रूप में लिखा जाता है, अतः इसे क्रिस्टल जल भी कहते हैं। लवणों के गलनांक व क्वथनांक, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट व क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक वह होता है जो एक निश्चित तापमान पर ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में रूपांतरित होता है, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक द्रव का वाष्प दाब व वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर के बराबर द्रव ठोस का द्रव बदलना क्वथनांक कहलाता है। ये उच्च होते हैं, इन्हें क्रिस्टल के रूप में लिखा जाता है, अतः इसे क्रिस्टल जल भी कहते हैं। जैसे उदाहरण Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट के लवण में 10 जल के अणु क्रिस्टल के रूप में, सोडियम कार्बोनेट में 10H2O ये जल के अणु क्रिस्टल के रूप में। इसी प्रकार CuSO4 2H2O, कॉपर सल्फेट के लवण में 2H2O ये क्रिस्टल के रूप में है। इसी प्रकार फिटकरी K2SO4 Al2.Al2SO4 3 24H2O ये 24 अणु जल के क्रिस्टल के रूप में है, इन्हें क्रिस्टल जल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो संकल्पना पहले देखी थी, इसके जस्ट बाद संकल्पना शुरू होती है, आरएनएस की संकल्पना। आरएनएस की संकल्पना, अम्ल सार की संकल्पना अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी। वैज्ञानिक आरएनएस ने 1887 में अपनी संकल्पना दी, उन्होंने अम्ल व सार को अपने संकल्पना के अनुसार बताया। इनके अनुसार अम्ल एसिड क्या होते हैं, एसिड इनके अनुसार वे होते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन हाइड्रोनियम आयन देते हैं। उन्हें आरएनएस ने अम्ल कहा गया, अम्ल एसिड। आरएनएस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा गया। जैसे उदाहरण HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
एच प्लस सी एल माइनस, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपघटित होकर हाइड्रोनियम आयन अलग और क्लोराइड आयन अलग कर दिया, ये अपघटित होकर एच प्लस आयन दे दिया। आरएनएस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर एच प्लस आयन देते हैं, एच प्लस आयन। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिन्हें अम्लों का राजा भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिन्हें अम्लों का राजा भी कहा जाता है, ये अपघटित होकर SO4 माइनस। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये अपघटित होकर H+ NO3। कार्बनिक अम्ल H2CO3, 2H+ CO3 माइनस, यानी प्रत्येक लवण अपघटित होकर H+ आयन देते हैं। आरएनएस के अनुसार जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन और H+ आयन, तो इन्हीं को आरएनएस ने अम्ल कहा गया। अब इसी एसिड में उन्हें दो भागों में डिवाइड किया, परबल अम्ल, परबल अम्ल व दूसरा दुर्बल अम्ल, परबल अम्ल दूसरा दुर्बल अम्ल। तो परबल अम्ल क्या होता है? परबल अम्ल परबल अम्ल वे अम्ल होते हैं, परबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पूर्णता आयनित हो जाते हैं। परबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें परबल अम्ल कहते हैं। HCl, HCl पोटेशियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, K+ Cl- ये पूर्णतः अपघटित हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+ Cl- ये पूर्णतः अपघटित हो गया, ये प्रबल अम्ल हो गया। अब हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते और अवयुजित अवस्था में रहते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पूर्णतः आयनित नहीं होते, अवयोजित अवस्था में रहते हैं। यानी दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पूर्णतः आयनित नहीं होते। प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ा था कि वे पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ये पूर्णतः आयनित नहीं हो जाते, अवयोजित अवस्था, अवयोजित अवस्था यानी उसका योजन नहीं हो पाता। उदाहरण एसिटिक अम्ल CH3 C(OH)2, ये पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, ये हो गया दुर्बल अम्ल।
अब आरएनएस की संकल्पना के अनुसार सार बेस क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें सार कहते हैं। उदाहरण, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनका जलीय विलयन में हाइड्रोक्सीन अपघटन होने पर जलीय विलयन में K+ OH- Na+ OH- NgOH का होल ट्वाइस Mg+ OH-। ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तो इन्हें सार कहते हैं। जिस प्रकार हमने एसिड में प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ा था, इसी प्रकार